श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर की बैठक आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन सभागार में समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए श्री रामलीला के कार्यक्रमों को सीमित रूप से संपन्न कराया जाएगा। रामलीला के कार्यक्रम में कुल 100 लोगों के सम्मिलित होने या बैठने की अनुमति ही रहेगी, जिससे सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लीला मंचन के कार्यक्रमों को समिति के फेसबुक पेज पर लाइव दिखाने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसके संबंध में समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन ने बताया कि विजयदशमी के दिन गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तिलक परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम के संबंध में बताते हुए समिति के प्रवक्ता विकास जलान ने कहा कि 5 अक्टूबर से लीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला समिति आर्यनगर समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन ने कहा, पहली बार शासन भगवान श्री राम का तिलक करेंगे। कार्यक्रम चलेगा और 15 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें पूज्य महादेव श्री श्री रामलीला समिति आर्य नगर गोरखपुर के तत्वाधान में 5 अक्टूबर से रामलीला मंचन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें उद्घाटन समारोह गणेश जन्म, नारद मोह, रावण जन्म, अत्याचार, पितृगी पुकार। आज श्री रामलीला समिति आर्य नगर जो कि बैठक जो है हम लोग यहाँ पर अग्रवाल भवन में आज की हुई, और हम लोग यहाँ रामलीला हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मनाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन प्रोटोकॉल जो है इसका कोविड का पालन करते हुए इसको मनाने के लिए हम लोगों ने तय किया है, और 5 अक्टूबर से हमारी रामलीला जो है वहाँ रामलीला मैदान मानसरोवर में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी प्रारंभ होगी, जो 16 अक्टूबर तक चलेगी। हम लोग अयोध्या से रामलीला पार्टी बुलवाए हैं, वही यहाँ पर आके रामलीला करेंगे। हर दशहरे के दिन हमारे पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उस दिन भगवान का तिलक करने के लिए आते हैं। और यह परिपाटी आज से नहीं, बहुत समय से चली आ रही है। इसके पहले मान अवैधनाथ जी महाराज और उसके पहले दिग्विजयनाथ जी महाराज वो हाथी पर बैठ करके आते थे और भगवान का तिलक करते थे। यह परिपाटी बहुत पुरानी है और इस रामलीला मैदान का अपना महत्व है। इसके सामने जो है वो राम मानसरोवर रामलीला मैदान में होता है, और उसके सामने मानसरोवर मंदिर है, उसका भी निर्माण हुआ, वहाँ भी शंकर जी का पूजन करते हैं, उसके बाद यहाँ भगवान का तिलक करने आते हैं। तो हम लोग कोविड का पालन करते हुए इस बार रामलीला 12 दिन की रामलीला मैदान मानसरोवर में कराएंगे, और पुनः इसके बाद जो है एक बैठक करके